हेलो स्टूडेंट्स, लीव फॉरवर्ड के इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत। आप अपने पूरे 20 मिनट देने वाले हैं, इस उम्मीद में मैं आपको एडवांस में थैंक यू कहता हूँ। आज का सेशन जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, वो शुरू करने के पहले क्विकली देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या किया। एकदम शुरुआत से अभी तक कुल मिला के 8 सेशन में हमने क्या क्या किया। शुरुआत की इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 लेटर्स से, जिसमें 5 वॉवेल 21 कॉन्सोनेंट। फिर हमने उन वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स की आवाज़ देखी, कॉन्सोनेंट्स को 2 भागों में विभाजित किया, 15 ऐसे कॉन्सोनेंट जिनकी आवाज़ उनके नाम में छुपी है और 6 ऐसे कॉन्सोनेंट जिनकी आवाज़ उनके नाम से भिन्न है। उसके पश्चात हमने कॉन्सोनेंट को वॉवेल से जोड़ा और उन 2 अक्षरों की क्या आवाज़ होती है ये देखा। उन 2 लेटर्स को हमने एक कॉन्सोनेंट जोड़ा, फिर 3 लेटर वर्ड्स पढ़ना शुरू किया, फिर 3 लेटर वर्ड को कॉन्सोनेंट जोड़ा और 4 लेटर वर्ड्स पढ़ना शुरू किया। 4 लेटर पढ़ने के दौरान हमने पहली बार ये देखा कि जब 2 कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं तब उनका जोड़ाक्षर बन जाता है। उसके पश्चात हम मैजिक वर्ड्स की ओर बढ़े। आपको जो 3 और 4 लेटर वर्ड्स पढ़ने आ रहे हैं उनकी सहायता से हमने बड़े बड़े वर्ड्स पढ़ना शुरू कर दिया। उसके पश्चात हमने देखा वर्ड्स विद डबल ई एंड डबल ओ, डबल ई यानी ई, डबल ओ यानी ऊ। देन उसके पश्चात सेशन नंबर 6 में हमने वर्ड्स विच एंड विद एस और वर्ड्स विच एंड विद वाई पढ़ना देखा, मतलब ऐसे शब्द जो एस और वाई से समाप्त होते हैं। उसके बाद हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट की ओर मुड़े जिसमें हमने ऐसे शब्द देखे जिसमें 2 समान आवाज़ वाले अक्षर साथ में आए, सी के एल एल एस एस। और हमने देखा कि अगर 2 समान आवाज़ वाले अक्षर साथ में आते हैं तो ऐसे शब्द को पढ़ने के समय हम उस आवाज़ को दोहराते नहीं, आवाज़ एक ही बार लेते हैं। उसके बाद हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़े जो कि हमारा प्रीवियस कॉन्सेप्ट था, वर्ड्स विद कॉन्जॉइंट्स, बी आर बी एल एस एच सी एच, और उनसे बने हमने कुछ शब्द पढ़े। ये पूरे 8 सेशन होने के पश्चात अब तक आपको जो वर्ड्स पढ़ने आ रहे हैं उन वर्ड्स की सहायता से हम बड़े बड़े वर्ड पढ़ेंगे। सो आज के सेशन में हम मैजिक वर्ड्स पढ़ने वाले हैं। मैजिक वर्ड्स मतलब एक बड़ा शब्द जिसको हम छोटे छोटे भागों में तोड़ेंगे, ऐसे छोटे भाग जो अब तक के कॉन्सेप्ट की मदद से आप खुद से पढ़ सकते हो। ये जो छोटे भाग बने हैं ना, ये ज़रूरी नहीं कि वे खुद से कोई शब्द हो। ये हम तोड़ क्यों रहे हैं? ताकि आप इसे पढ़ पाओ। तो मैं आपके सामने एक बड़े शब्द को छोटे भागों में टूटा हुआ दिखाऊंगा। टूटा हुआ हर एक भाग अब तक के 8 सेशन में जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए गए हैं उनके आधार पर आप पढ़ पाओगे। हम हर एक छोटे भाग को पढ़ेंगे और उसके बाद उन्हें जोड़कर जो बड़ा शब्द बनता है उसे एक साथ बोलेंगे। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं। आज कोई कॉन्सेप्ट नहीं, आज सिर्फ जादू है। आज आप 8, 9, 10 अक्षरी शब्द पढ़ने वाले हो किसी के भी मदद के बगैर। तो मित्रों, शुरू करते हैं मैजिक वर्ड्स प्रैक्टिस। फर्स्ट वर्ड FRAG, फ्रैग, MENT, मेंट, पूरा वर्ड फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट। नेक्स्ट BLAN, ब्लैन, KET, केट, ब्लैंकेट। नेक्स्ट BRAC, ब्रैक, KET, केट, एक साथ बोलेंगे ब्रैकेट। ROC, रॉक, KET, केट, जब एक साथ बोलेंगे रॉकेट। TRUS, ट्रस्ट, TEE, ट्रस्टी, पढ़ने के समय गौर से सुनिए, ट्रस्टी, ट्रस्ट, विश्वास, ट्रस्टी, विश्वस्त। SA, सै, LUTE, ई से समाप्त होने वाला वर्ड है इसलिए यू को यू बोलेंगे, ल्यूट, जब एक साथ पढ़ेंगे सैल्यूट। SAP, सैप, LING, लिंग, एक साथ सैपलिंग। SAND, सैंड,
MEN men, एक साथ sandman. Next, SAND sand, BAG bag, sandbag, BACK back, LASH lash, अखंड, backlash, BLACK black, LIST list, blacklist, BLACK black, OUT out, blackout, BACK back, BONE bone, backbone, BACK back, FIRE fire, backfire, BACK back, SIDE side, backside, CAKE cake, SHOP shop, cake shop, CRACK crack, POT pot, crack pot. Next, can, did, lee, candidly. Next word, CAP cap, STONE stone, capstone. Next, CAP cap, SUNE sewl, capsule. Next, DEN den, TIST test, dentist. Next, FA fa, MISH mish, famish. GAMB gamb, LING ling, gambling. GANG gang, LAND land, gangland. HA ha, BIB TAT tat, habitat. HEN hen, PECK peck, hen peck. HEP hep, TA ta, GON gone, heptagon. JELLY jelly, FISH fish, jellyfish. आपके स्क्रीन पे जो मैंने एक एक करके शब्द पढ़े वो सारे के सारे दिख रहे हैं. मैं लेफ्ट टू राइट पूरा वर्ड एक साथ पढ़ूंगा. शुरुआत करता हूँ. फ्रैगमेंट, ट्रस्टी, backlash, blanket, salute, blacklist, bracket, sapling, blackout, rocket, sandman, backbone, sandbag, backfire, backside, capstone, gangland, cake shop, capsule, habitat, crackpot, dentist, henpeck, candidly, famish, heptagon, gambling, jellyfish. Next practice set की ओर बढ़ते हैं. JUX jux, TA ta, POSE pose, juxtapose. KICK kick, BOX box, ING ing, kickboxing. SIDE side, KICK kick, sidekick. SIDE side, STAND stand, side stand. KID kid, NAP nap, PING ping, kidnapping, kidnapping. KICK kick, START start, kick start. KING king, FISH fish, kingfish. LAND land, SCAPE scape, landscape.
LAND लैंड, SLIDE स्लाइड लैंड स्लाइड, LAMP लैम्प, SHELL शेल लैम्प शेल, SHELL शेल, FISH फिश शेल फिश, LIFE लाइफ, LESS लेस लाइफ लेस, LIP लिप, STICK स्टिक लिपस्टिक, DIP डिप, STICK स्टिक डिपस्टिक, PIN पिन, DROP ड्रॉप पिन ड्रॉप, LIST लिस्ट LESS लेस लिस्ट लेस, MA मै, NI नी, PU LATE manipulate, MATCH match। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जिस प्रकार CH इस conjoined की आवाज़ च होती है, उसी प्रकार TCH इन तीन अक्षरों से बने हुए conjoined की आवाज़ भी च ही होती है। तो MATCH बन जाता है match, STICK stick matchstick, next word match, BOX box matchbox, next word nominate nominate, next NON non, DE day, SCRIPT script nondescript, next word DAW, mess tick domestic, next feminist feminist, next infected infected, next infested infested, next word problematic problematic, next plastics plastics, next magnetic magnetic, next paradox paradox, next parenthesis parenthesis। अभी जो मैंने तोड़ तोड़ कर शब्द पढ़े उन्हें मैं एक साथ अखंड पढ़ूंगा लेफ्ट टू राइट। स्टार्ट करता हूँ, जक्सटापोस, किक स्टार्ट, शेलफिश, किक बॉक्सिंग, किंग फिश, लाइफलेस, साइड किक, लैंडस्केप, लिपस्टिक, साइड स्टैंड, लैंडस्लाइड, डिपस्टिक, किडनैपिंग, लैम्प शेल, पिन ड्रॉप, लिस्टलेस, नॉनडेस्क्रिप्ट, प्रॉब्लेमैटिक, मैनिपुलेट, डोमेस्टिक, प्लास्टिक्स, मैचस्टिक, फेमिनिस्ट, मैग्नेटिक, मैचबॉक्स, इन्फेक्टेड, पैराडॉक्स, नॉमिनेट, इन्फेस्टेड, पैरेंथेसिस। नेक्स्ट सेट ऑफ प्रैक्टिस वर्ड्स देखते हैं, पे डी एट रिक पेडियाट्रिक, रैस्प बेरी रैसबेरी, कल टी वेट कल्टीवेट, डिस क्री मी नेट डिस्क्रिमिनेट, एन एक्ट मेंट एनैक्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट, फॉर मैट फॉर्मैट, फर बिश फर्बिश, फर निश फर्निश, कॉन ग्रे गेट
कॉन्ग्रेगेट, कॉन फिस केट कॉन्फिस्केट, कॉम प्ली केट कॉम्प्लीकेट, इन वैली डेट इनवैलिडेट, इन ऑर्डी नेट इनऑर्डिनेट, इल लस ट्रेट इलस्ट्रेट, इम प्रेग नेट इम्प्रेगनेट, इन टॉक्सी केट इंटॉक्सिकेट, डे ली केट डेलीकेट, मॉन स्ट्रॉ सिटी मॉन्स्ट्रॉसिटी, हॉस टाइल हॉस्टाइल, एट ट्री ब्यूट एट्रीब्यूट, इन स्टी ट्यूट इंस्टीट्यूट, मॉलेक्यूल मॉलेक्यूल। अभी जो मैंने मैजिक वर्ड्स तोड़ तोड़ के पढ़े उन्हें मैं एक साथ लेफ्ट टू राइट अखंड पढ़ूंगा। शुरुआत करता हूँ, पेडियाट्रिक एम्प्लॉयमेंट, रास्पबेरी फॉर्मेट, कल्टीवेट फर्बिश, डिस्क्रिमिनेट फर्निश, एनैक्टमेंट कॉन्ग्रेगेट, कॉन्फिस्केट इम्प्रेगनेट हॉस्टाइल, कॉम्प्लिकेट इंटॉक्सिकेट एट्रीब्यूट, इनवैलिडेट डेलीकेट इंस्टीट्यूट, इनऑर्डिनेट मॉन्स्ट्रॉसिटी मॉलिक्यूल, इलस्ट्रेट। सो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से दोहराता हूँ, हमने जो अभी प्रैक्टिस रूप में मैजिक वर्ड्स पढ़े जिनको मैंने आपके सुविधा के लिए छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा है, वो छोटे छोटे शब्द ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश के जायज शब्द हो। जब वे छोटे छोटे शब्द एक साथ जुड़ के बड़ा शब्द बनाते हैं तब वो अंग्रेज़ी का एक जायज शब्द है। तो फिर मैंने इसे क्यों तोड़े, क्योंकि आपको अब तक मैंने जिन कॉन्सेप्ट्स के आधार पर पढ़ना सिखाया है उन कॉन्सेप्ट्स की मदद से आप टूटे हुए भागों को आराम से पढ़ सकते हैं और इन छोटे छोटे भागों को पढ़ने के पश्चात उन्हें जोड़कर आप पूरा का पूरा शब्द 9-10 कुछ कुछ जगह तो 11-12 अक्षरी शब्द भी जादू की तरह पूरी तरह से अखंड बिना चुके पढ़ सकते हैं। तो मित्रों, ये था हमारा आज का मैजिक वर्ड्स का टॉपिक। अगले सेशन में हम क्या देखने वाले हैं, अगले सेशन में हम एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखेंगे जहाँ पर हम सिंगल सिलेबल छोटे 4-6 अक्षरी शब्द जब ई इस वॉवेल से समाप्त होते हैं तब उन शब्दों को कैसे पढ़ा जाता है, इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम आपके पास लेके आएंगे। तो आज का सेशन यही समाप्त करता हूँ और ध्यानपूर्वक सुनिए वही बात जो मैं हर बार दोहराता हूँ, इंग्लिश का सचिन तेंदुलकर बनना है तो हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी। मैं आपके सामने 20 मिनट के कॉन्सेप्ट्स लेके आता हूँ, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए हो और मज़ा आया हो तो आप स्कूल बैग से अपनी टेक्स्ट बुक उठाइए, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उस कॉन्सेप्ट पर आधारित वर्ड्स ढूंढिए, उसे अपने किताब में या पन्ने पर लिखिए और लिखने के पश्चात उन्हें जोर से पढ़िए, इतना जोर से जितना खुद को सुनाई दे। तो फ्रेंड्स, लाइक ऑलवेज, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो कल फिर से मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हैव फन।